जैसे कि ये हमारा लकड़ी वाला घर है, कमरे के ऊपर एक और फ्लोर होता है और सीक्रेट वो होता है, जैसे मम्मी इसको खोल रहे हैं देखो, और ये खुल जाते हैं जैसे दो जो पत्थर की स्लेटें होती हैं उसके बीच से धूप की किरणें नीचे को आ रही हैं, इसके ऊपर हम सीक्रेट चीजें भी छुपा सकते। तो किचन की छत पर से निकला है ये सारा सामान, तो ये है मुरब्बा और कितना ये स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग यहाँ शुरू कर रही हूँ, अभी जस्ट मैं अपना योगा करके खत्म हुई हूँ। पहले मैं थोड़े मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा योगा करती हूँ, और यहाँ इस वाले रूम में करती हूँ मैं अपनी योगा। यहाँ पे ये योगा मैट बिछा के रखती हूँ और ये ऐसे ही बिछा रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का मौसम काफी अच्छा है बाहर, तो बाहर चलते हैं। तो आज का जो मेरा योगा सेशन रहा है वो रहा ऑलमोस्ट 35 मिनट का, क्योंकि मैंने यहाँ बाहर टाइम लैप्स पे फोन लगा के रखा था, तो मैं देखती हूँ कि कितनी देर तक शूट हुआ है। और आज बाहर भी क्लाउडी सा है, थोड़े बादल हैं और थोड़ी थोड़ी धूप लगी है जहाँ कहीं पे, और ये हमारा गांव। तो और टाइम बताऊँ तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं आज जल्दी उठ गई थी थोड़ा, तो आज मैं सारी चीज़ों से फ्री भी हो गई हूँ। और अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अभी आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। आज है ब्रेकफास्ट में बैंगन आलू की सब्जी और चपाती। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था और उसके बाद अभी थोड़ी देर बस ऐसे ही कामों में बिजी थे, अपने छोटे मोटे जो बर्तन धोने होते हैं या फिर और काम। अभी मैंने हमाम जलाया, अभी मैं नहाने जाऊंगी, पर आज मम्मी कर रहे कुछ और ही काम। तो आज मम्मी कर रहे फिर से लुपाई पुताई का काम, और ये देखो यहाँ पे गोबर और मिट्टी को मिक्स कर रहे हैं, और इसमें भी मिट्टी ही है पर इसमें लाल मिट्टी है और ये दूसरी मिट्टी है। और कौन सी, ये वाली चिकनी मिट्टी है। और आज जो सफाई होगी अब शिवरात्रि के लिए अलग से होती है, अभी एक त्योहार और आता है हमारा। पूरी घर की सफाई होती है। अब किसकी तैयारी हो रही बताओ? चैत्र महीने की चैत्र महीने पूरी सफाई होती है। अच्छा, किस लिए? साजे के लिए। कौन से साजे के लिए? अप्रैल का साजा। बशाह के लिए, बसाख आने वाला है उसके लिए। अब घर की हर सफाई होगी, मतलब छोटे से छोटा कोना भी होगा ना उसकी भी साफ सफाई होगी। जैसे कि ये हमारा लकड़ी वाला घर है, जो घर कमरे के ऊपर एक और फ्लोर होता है वो बिल्कुल ही जहाँ हम कभी नहीं जाते हैं, उसकी सफाई भी अभी होती है। तो इसमें भी मिट्टी है, पता नहीं कितने बर्तन तो मम्मी ने मिट्टी वाले ही कर दिए सारे। और जो ये ब्रश है ना, ये है ब्रश, नया ब्रश। तो ये ब्रश देखो, ये है जो चील के पेड़ होते हैं पाइन के, उसकी पत्तियों से बनाते हैं इस ब्रश को। तो अभी जो सफाई के लिए ना हमें इस वाली सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। देखो पहाड़ों में कैसी कैसी सीढ़ियाँ बनाई होती थी उस टाइम पे। तो ये देखो, ये है हमारी सीढ़ी कुछ इस तरह की, ये पूरा लकड़ है, इसमें थोड़ा थोड़े ऐसे ऐसे कट बनाए हैं पाँव रखने के लिए, और फिर इसको ऐसे लगाएंगे जैसे कहीं पे चढ़ना होगा तो इसके ऊपर चढ़ के जाते हैं इस तरह से। ये है एक पहाड़ी सीढ़ी और ये सीढ़ी भी बहुत पुरानी है, और ये वाली सीढ़ी भी सिर्फ आजकल ही सफाई के काम आएगी, क्योंकि आजकल जो सफाई है वो डीप क्लीनिंग होती है, मतलब घर के छोटा से छोटा कोना होगा ना उसकी भी सफाई होगी। चले भाई, मम्मी आओ आप, है ना, उठाने के लिए खराब है। बल्लभ बुल्लभ न लगेगा ना, फट जाएगा। तो हमारे जो लकड़ी वाले घर होते हैं ना उसके ऊपर भी एक और सीक्रेट वो होता है, जैसे मम्मी इसको खोल रहे हैं देखो, भी दड़क बोलते हैं इसको हमारे पहाड़ी में, दड़क। और ये खुल जाते हैं जैसे दो लकड़ियाँ हैं, सिर्फ यही खुलेंगी, बाकी ये नहीं खुलेगी ये वाली, लेकिन यही दो खुलेगी। और मम्मी अभी इसके ऊपर जाने वाले हैं। मम्मी इसमें तो आप ऐसे भी जा सकते हैं यार ऊपर, ऐसे भी चढ़े जाते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर कुछ ऐसा होता है, ये जा रहे हैं मम्मी ऊपर, जाओ तो सही। तो ये देखो मम्मी कहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर का है ना, ये कुछ ऐसा होता है, देखो खाली है ये, खाली नहीं, इसमें पता नहीं कबाड़ रखा होता है इन्होंने। ये देखो क्या क्या सामान है, पुराने से पुराना सामान देखने को मिलेगा इधर को, सारे कस्सी वगैरह हो गए पुराने पुराने, और सिलाई की मशीन भी है एक, तो मतलब ऊपर का देखो ऐसा होता है धड़क। इसके ऊपर भी तो रह सकते हैं अगर इसको ऊपर से अच्छा करेंगे तो, ऊपर से सारे दिख रहा है। तो ऐसा कुछ है, क्या क्या चाहिए बताओ?
पानी, झाड़ू, पानी और सुपा। ठीक, तो अब मम्मी चले गए हैं ऊपर और अब मम्मी ऊपर से नीचे निपट के ही आएंगे, तो जितना भी सामान होगा वो मैं मम्मी को ऊपर दूंगी। मेरी मम्मी को चाहिए ये चीज, इसको शुपा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, डस्ट कीप सा रख सकते हो आप, इसको इकट्ठा होता है इसमें कूड़ा, और झाड़ू जो कि हमारे यहाँ के झाड़ू ऐसे होते हैं, तो ये दे देते हैं मम्मी को। पानी भी मांगा है, पानी भी देना पड़ेगा। और मम्मी खोलो तो सही, आपने बंद कर दिया, कैसे दूंगी फिर मैं पानी, खोलो। उफ, ये तो साइड से बोलो, झाड़ू पानी लाऊंगी अभी, है ना। लास्ट चीज मम्मी ने मांगी थी पानी, नहीं आएगा मम्मी इससे, आ गया मैं जाऊं अब आवाज देना, मेरे को नहाने जा रही हूँ अभी। तो मैं तो अभी नहा के आ गई हूँ और चेंज भी कर लिया, मुझे थोड़े से कपड़े धोने को है। उससे पहले मम्मी को पूछ लेते हैं कि उनको कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है, तो चलते हैं उनके पास। तो मैं तो आ गई हूँ नहा के, मम्मी अभी भी ऊपर ही है, सामान दे रही हूँ। तो यहाँ देखो मम्मी कहाँ है ऊपर, और ऐसे सफाई की जाती है धड़क के ऊपर, धूल आ रही है ना, सांस लो। जो पत्थर की स्लेटें होती हैं उसके बीच से धूप की किरणें नीचे को आ रही हैं। तो पुराने घर कुछ इस तरह से बनते थे, नीचे को कमरे, ऊपर को कुछ धड़क और उससे नीचे पशु। ये ले पकड़ लूँ कूड़ा, ये ले जाऊँ। तो ये देखो इतना सारा कूड़ा निकला है ऊपर से, और मम्मी ना यहाँ पे लुपाई पुताई कर रही है नीचे भी, जो ये नीचे वाला फर्श है ना इसका, ही वाला, इसमें भी लिपाई पुताई होगी। तो अब जाके मम्मी नीचे आ रहे ऊपर से, ये दे दो इधर। तो यहां से आ रहे मम्मी अब नीचे, चलो चलो नीचे, अब इसको करेंगे बंद, करो भाई बंद। इसके ऊपर हम सीक्रेट चीजें भी छुपा सकते हैं गाइस, पर हम छुपाते नहीं है, इसके ऊपर हम सिर्फ खबार रखते हैं। लगा? नहीं लगा, अब करो, अब गाऊ, अब लगा। तो अभी मेरी भाभी अभी आई है, उनका यहाँ पे खेत था उसमें काम करने आई थी, वो बोल रहे कि मुरब्बा बना दे, तो मैं एक ही बचा है इसमें, ये देखो इसमें सिर्फ एक ही केमटू बचा है जो बनाने को है, नहीं एक और है, दो है, वो बोल रहे कि बना दे तो बना देते हैं। तो ये कट रहा है केमटू और अब बनेगा मुरब्बा। तो ये हमारा मुरब्बा तैयार होने वाला है, इसमें हम मसाला डाल रहे हैं, इसमें होता है नमक, चीनी और हमने डाला है हरा धनिया, पुदीना और स्प्रिंग अनियन, सबको पीस के अब इसको मिक्स करेंगे, फिर हमारा मुरब्बा रेडी। तो ये है मुरब्बा और कितना यम्मी यम्मी दिख रहा है खाने के लिए। तो अभी ना भाभियाँ चली गई अपने घर और मुझे अभी काम, मुझे पीछे कपड़े धोने को है। अभी ना बहुत सारे बादल आ रहे हैं चारों तरफ से, इधर को ज़्यादा है, उधर को थोड़े कम हो गया। एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं कि उनको कोई ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि मम्मी अभी दूसरी जगह गए। हाँ जी, हाँ जी, आ गई मम्मी, अभी दूसरे कमरे के ऊपर वाली साइड गए हैं, और मम्मी यहाँ पर दूसरे कमरे के ऊपर गए थे, अब यहाँ से भी नीचे आना है इन्होंने। कूड़ा ये देखो कितना कितना कूड़ा निकल रहा है ऊपर से, ये दे दो, और ऊपर भी लिपाई पुताई कर दी है। आ जाओ, ये जो सीढ़ी है मुझे ये पकड़नी पड़ेगी, मम्मी इसके सारे नीचे आएंगे। और इस वाले कमरे में जो ये चीज है ना जो बंद होता है, ये इकट्ठे ही है दो लकड़ों का, तो ये बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े धोने को, मैं इनको धो लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो कपड़े धो के तो मैं आ गई थी, लेकिन मम्मी अभी गए हैं किचन के ऊपर वाले छत के ऊपर, मतलब किचन से ऊपर भी है, यहाँ से दिख भी रहा होगा जगह, पर ये काफी अंधेरा है, मम्मी पता नहीं कैसे ऊपर कर रहे सब कुछ, देख लो। हेलो मम्मी, अंधेरा है थोड़ी बहुत लगा। हाँ, तो किचन के ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है काला। लेकिन ये देखो हमारे किचन के ऊपर जो है ना जगह, वहाँ पे ना मधुमक्खियाँ हर बार अपना छत्ता बनाती है, और इस बार भी उन्होंने बनाया था और वो फिर खुद चली गई और ये वहीं पे रह गया। तो मम्मी ने ये निकाल के दिखाया कि ऊपर से देखो कि मधुमक्खियों ने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। तो ओवरऑल देखो इतने सारे छत्ते बनाए हैं, ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है और ये भी उन्हीं का है। तो मधुमक्खियाँ हर बार हमारे छत के ऊपर आती है और फिर अपना घर बनाती है, और देखो कितने अच्छे से डिजाइन किया होता है हर एक चीज, इक्वल डिस्टेंस होता है हर में,
और इसी में शहद बनता है। हम कभी भी उस शहद को नहीं निकालते हैं, वो अपना शहद बनाती है और खुद ही खा लेती है। सर्दियों में ना वो यहाँ से चले जाती है, फिर सर्दियों में यहाँ नहीं रहती है, इस करके फिर जो उनका घर होता है वो खाली का खाली रहता है। फिर अभी जब मम्मी साफ सफाई कर रहे हैं उस टाइम पे अब इसको निकाल दिया है। और कई बार दिक्कत भी करती है कि वो रात को जैसे हम लाइट यहाँ पे किचन में जलाते हैं तो ऊपर से वो सीधा लाइट के पास आ जाती है, कई बार डंक भी मारती है, तो मधुमक्खियों के साथ ये भी दिक्कत आती है। एंड में अब मम्मी ने इसकी भी सफाई कर ही दी है, तीन है ये यहाँ पे, तीनों की सफाई हो गई है। और ऊपर देखो अंधेरा ही है चारों तरफ। दे दो सामान नीचे, साल की कमाई, ये पूरे साल की कमाई दे दो। इसमें तो यही है हनी बी के घर छाता, हनी बी का छाता है, मधुमक्खी का छाता ही है इसमें तो। देखो तो किचन की छत पर से निकला है ये सारा सामान और इतना सारा कूड़ा। तो अभी शाम के टाइम ना बहुत सारी चिड़िया आती हैं पेड़ों के ऊपर। ये देखो यहाँ देखो दो चिड़िया यहाँ पे है और एक चिड़िया यहाँ पे है। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और इस टाइम पे हम निकलते हैं या तो खेत की तरफ या फिर अपने वॉक की तरफ। और यहाँ पे है टंगे हुए कपड़े जो मैंने थोड़ी देर पहले धोए थे। आज हम शाम के टाइम इवनिंग वॉक की जगह जा रहे हैं, खेत ही वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा गोबर भी खेत चला जाएगा और उसके साथ ही एक जरूरी काम भी करेंगे जो मैंने आपको सब्जी बोला था निकालने के लिए, वो भी निकाल के लाएंगे। आपको भी दिखाऊंगी कि उसको कैसे निकालते हैं और फिर उसकी रेसिपी कल बताऊंगी कि उसको बनाते कैसे हैं। तो अभी शाम के टाइम हम चल पड़े हैं खेत की तरफ और शाम का टाइम अभी बहुत अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा चली होती है और ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मज़े से चलते हैं। और सामने सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में, पर साथ में अभी हमें वो सब्जी भी तो निकालनी है तो पहले सब्जी ही निकाल देंगे ताकि उससे पहले अंधेरा ना हो जाए। रास्ते में जाते हुए मैंने देखा है कल का एक पेड़, वहाँ से सब्जी लाएंगे। तो फेड्डू की सब्जी के लिए चाहिए होता है ये वाला पेड़ जो कि है फाइकस और हमारे पहाड़ी में इसको फेड्डू बोलते हैं और इसमें आजकल लगे हैं बहुत सारे। अभी हम उस पेड़ के पास पहुंच ही गए हैं जिससे हम सब्जी निकालेंगे, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और आसमान में देखो कितना अच्छा चांद आया है, कुछ ही दिनों में शायद पूर्णिमा आने वाली है, एक दो दिन में। तो ये वाला पेड़ है जिससे सब्जी निकलेगी और इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे लगे हैं। ये जो ये दिख रहे हैं आपको इसके दाने दाने जैसे, इसकी सब्जी बनती है। इसमें हम इन टहनियों को, इसमें ना हम इन टहनियों को ही काट के ले जाएंगे और फिर एक एक दाना अलग करेंगे और इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी मम्मी आएंगे, मम्मी के पास दराटी है काटने के लिए, हाथ से भी तोड़ सकती हूँ लेकिन इसमें ना वाइट कलर का एक दूध सा निकलता है इस वाले पेड़ से, जिसकी वजह से हाथों में खारिश होना शुरू हो जाती है या फिर एलर्जी हो जाती है। तो इनको पहले काट के ले जाएंगे, फिर घर में एक एक जो दाना है ना इसका, जो इसका फ्रूट है, जो इसमें फल लगा है, इसको अलग करेंगे। तो फिर इसको आगे इसमें प्रोसीजर होता है बनाने का। और एक बात ये भी है कि जो ये सब्जी होती है ना ये काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखती है। और इस सब्जी की एक बात ये भी है कि ये सब्जी ना अभी आजकल ही होती है, अदरवाइज उसके बाद ना ये बड़े हो जाते हैं, उसके बाद इसकी सब्जी नहीं बनती है। अभी ना सनसेट हो गया है और सनसेट के बाद का व्यू यहाँ से बहुत सुंदर आ रहा है, रिवर भी दिख रही है। और खेत पहुँच गई हूँ, अरे फेंका मैंने गोबर, ये देखो गोबर का कितना, गोबर की शेप वैसी की वैसी है जैसे किल्टे की है। और मेरी आज की इवनिंग वॉक खेत के लिए ही हो गई, खेत भी दूर है वैसे। उसके बाद अभी मैं घर जाके एक्सरसाइज करती हूँ और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है तो मैं वो नहीं शूट करूँगी। तो जो हमने सब्जी लेके आए हैं वो देखो, यहाँ पे इतनी सारी सब्जी लाई है, अब इसको इस तरह से एक एक करके अलग करना पड़ता है। ये देखो फिर इस तरह से इसके दाने होते हैं और इसकी सब्जी बनती है। तो मम्मी ने ग्लव्स पहन के रखा है, ये इसीलिए पहन के रखा है क्योंकि जो इसके साथ ना दूध सा निकलता है दाने के साथ, तो इन दानों से ना दूध सा निकलता है वाइट कलर का और इससे खारिश होती है हाथों में, और इस करके मम्मी ने ग्लव्स पहने हैं। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके सब्जी अलग की जा रही है और इसकी सब्जी बनेगी। तो डिनर के बाद मैं आ गई हूँ सोने और आज का व्लॉग करती हूँ इसी के साथ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कल अगर हम वो सब्जी बनाएंगे तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूंगी कि कैसे कैसे बनाते हैं, तो बने रहिए और बाय बाय।